सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरु जी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेल्फ अध्ययन पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, किस तरीके से हम प्राइस लिस्ट बनाना सीखेंगे। तो प्राइस लिस्ट को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये जो प्राइस लिस्ट होगी हमारी विदाउट जीएसटी होगी, क्योंकि हम बेसिक क्लासेस यहाँ पर सीख रहे हैं। बाकी बाद में इसको जीएसटी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपने टैक्सेस वगैरह सीखा हुआ है तो, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर हम बेसिक प्राइस लिस्ट की बात करते हैं। प्राइस लिस्ट से हमारा मतलब कि जो भी हम रेट फीड कर देंगे तो सेल करते वक्त वही रेट ऑटोमेटिकली उठकर आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी हम यहाँ पर कैटेगरी बना सकते हैं कि कस्टमर रेट है या रिटेलर रेट है या होलसेलर रेट है। तो आइए देखते हैं उसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम F11 F2 प्रेस करते हुए यहाँ पर अगर नीड है गोडाउन की तो गोडाउन खोल सकते हैं, कैटेगरी की नीड है तो कैटेगरी भी आप खोल सकते हैं, अदरवाइज इसको नो रख सकते हैं। और डिस्काउंट कॉलम अगर आपको शो कराना है तो आप यहां पर शो करा सकते हैं। उसी के बाद यहां पर लिखा होगा यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, तो यहां से भी हमें इसको यस करके यहां पर हम अपना प्राइस अलग अलग कस्टमर रेट देना चाहते हैं या रिटेलर रेट देना चाहते हैं वो हम यहां से पास करा सकते हैं। तो जैसे ही हम यहां पर डिटेल फीड कर देंगे उसके बाद हमें आइटम्स बनाने होंगे और वो आइटम्स हमें प्राइस लिस्ट में चढ़ाने होंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर बेसिक डिटेल पास कर दिए उसके बाद हमें इन्वेंटरी इन्फो में ग्रुप्स बनाना है जिससे रिलेटेड भी हम सेल परचेज कर रहे हैं और जो हमें रेट डालना है। लाइक हम यहाँ पर ले लेते हैं फर्नीचर, और फर्नीचर पास कराते हुए हमने इसका यूनिट भी पास करा दिया है। यूनिट में हम डाल देते हैं पीसीज एंड इसका गोडाउन हम ले लेते हैं, गोडाउन ले लेते हैं हम यहाँ पर दिल्ली। तो दिल्ली में सारा के सारा स्टॉक यहाँ पर कंपनी का होगा जिसके हम कुछ यहाँ पर आइटम्स की डिटेल पास करा देते हैं। आइटम में हम यहाँ पर दो पीसेस के स्टॉक के बारे में एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हम चेयर का स्टॉक डाल देते हैं और यूनिट पीसेस लेते वक्त हमने इसकी क्वान्टिटी यहाँ पर 100 पीसेस डाल दिए। इसका मतलब दिल्ली गोडाउन में कंपनी के पास 400 रुपये की 100 पीसेस का अभी स्टॉक अवेलेबल है। दैन इसी के साथ साथ हमने एक आइटम और यहाँ पर ले लिया है टेबल। टेबल भी हम फर्नीचर में पास कराते हुए पीसेस एंड इसका भी हमने 100 यूनिट पहले से ही इसकी पास करा दी है और ये 700 रुपये के पास से है। तो कंपनी के पास 400 पीस के हिसाब से चेयर्स पड़ी हुई है 100 एंड 700 रुपीज़ पर पीसेस के हिसाब से 100 टेबल पड़ी हुई है। अब कंपनी जब भी इसको सेल करेगी तो किस तरीके का रेट अप्लाई करती है वो डिपेंड करता है कस्टमर रेट है, रिटेलर या होलसेलर। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर प्राइस लिस्ट पर जाएंगे, क्योंकि हमने F11 F2 करते हुए इसको ओपन करा था, तो प्राइस लिस्ट पे वो हमसे पूछ रहा है स्टॉक ग्रुप नेम, किस ग्रुप के लिए हम यहाँ पर प्राइस बनाना चाहते हैं। यहाँ से हम फर्नीचर ले लेंगे एंड फर्नीचर के बाद यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कस्टमर सेट करना चाहते हैं, रिटेलर रेट सेट करना चाहते हैं या होलसेलर रेट सेट करना चाहते हैं। फिलहाल हम यहाँ से पहले कस्टमर का एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ से चेयर में कुछ पीसेस डाल लेते हैं कि अगर कस्टमर 5 पीस तक खरीदता है तो हमें उसको 1000 रुपीज़ का सेल करना है, यानी कि रेट जो उठ के आएगा वो उठ के आएगा 1000 रुपये। अगर हम 5 से 10 पीस के बीच बेचते हैं तो 1000 रुपीज़ का यहाँ पर 5% डिस्काउंट दे देते हैं एंड अगर 10 पीसेस से ज़्यादा हम सोल्ड करते हैं कस्टमर को तो यहाँ पर 1000 का 10% पास कर देते हैं। देन उसके बाद टेबल भी यहाँ पर पास कर लेते हैं कि अगर 5 पीसेस तक हम उसे सेल कर रहे हैं तो 1000 रुपये तो हमने रखा था चेयर का, यहाँ पर थोड़ा सा उसको बढ़ा देते हैं रेट को क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, यहाँ पर हमने पास कर दिया। देन 5 से 10 पीसेस का हम एग्जांपल मान लेते हैं 1400 रुपये का 5% एंड अगर 10 से ज़्यादा होता है तो 1400 रुपये का यहाँ पर हमने 10% एज्यूम कर लिया। जैसे ही हमने यहाँ पे सारी डिटेल पास कराई उसके बाद वापस उसी जगह पर आ जाते हैं एंड देन कस्टमर के बाद हम यहाँ से डाल देते हैं रिटेलर रेट।
रिटेलर रेट में भी कंपनी जिस तरीके से सेल करना चाहे, लाइक अगर वो चाहती है कि 30 पीस तक जो भी माल अगर कम से कम बेचा जाता है तो फिर रिटेलर रेट लगेगा और यहाँ पर हम उसे 800 का 5% से दे रहे हैं। 30 के बाद अगर हम देते हैं तो 800 का यहाँ पर 10% के हिसाब से हम डिस्काउंट दे रहे हैं। देन उसके बाद हम इसी में टेबल ले लेते हैं, टेबल भी हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पास करा देते हैं कि अगर 30 पीस तक सोल्ड हो रहा है तो यहाँ पर हम उसे 1200 रुपये के हिसाब से पर पीस के हिसाब से बेच रहे हैं जिसपे 5% डिस्काउंट है, और 30 से ज़्यादा पीस है तो यहाँ पर 1200 का 10% हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल को आप यहाँ से PDF के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो की हेल्प से आप उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को पास करा देते हैं। अभी हमने दो चीज़ें यहाँ पर बना ली है, कस्टमर और रिटेलर। लाइक हमें 3 पीसेस बेचने हैं मिस्टर कमल को, तो जब हम लेज़र बनाएंगे कमल का तो उसके नाम को हम सनड्राइड डेटर में पास कराते हुए यहाँ से हमसे पूछेगा कि किस तरीके का आप उस पर प्राइस लेवल लगाना चाहते हैं। तो 3 पीसेस के हिसाब से हम उसको कस्टमर मान लेते हैं और कस्टमर रेट हम उसको यहाँ से पास करा देते हैं। इसी के बाद सुमित को हमने 25-25 पीस बेचे हैं, 30-30 पीस बेचे हैं, तो यहाँ से हम उसे रिटेलर रेट से ले लेते हैं। तो जो भी रेट यहाँ से हम एप्लीकेबल करेंगे वही रेट इनवॉइस के अंदर दिखाई जाएगा। तो यहाँ पर हम एक लेज़र और बना लेते हैं सेल का, जिसको हम सेल अकाउंट में पास करा देते हैं, और ये सब पास कराते हुए हमें अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाना होगा। पहले हम अपना स्टॉक देख लेते हैं, 100 पीसेस का हमारा स्टॉक था अवेलेबल, जो कि अभी भी वही है। यहाँ पर अभी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम इसको इनवॉइस में F8 में डालते हैं और ऑल्ट आई, क्योंकि अकाउंट ओनली मोड था पहले, अब हमने इसे आइटम मोड कर दिया है, ऑल्ट आई से हम उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर नेम ऑफ आइटम शो नहीं होता तो आप ऑल्ट आई प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कमल के नाम पे एंटर करते हुए हमने यहाँ पर जो चेयर के पीसेस लेने हैं वो दिल्ली गोडाउन से जो हम सेल कर रहे हैं उसके हम यहाँ से 5 पीसेस को सेल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेट और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली उठ के आ चुका है। फिलहाल हमने यहाँ पर टेबल की भी कुछ क्वांटिटी डाली, तो यहाँ पर इनवॉइस के अंदर रेट और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली उठ के आ चुका है जो हमने प्राइस लिस्ट में फीड करा था। तो इसके जरिए हम रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी हम प्राइस लिस्ट में मेंटेन करेंगे। अभी हम यहाँ पर सुमित को भी कुछ पीसेस सेल आउट कर देते हैं। यहाँ पे 30 पीसेस हमने चेयर के बेचे हैं, तो यहाँ पर भी रेट उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग उठ के आ रहा है जो भी हमने सेट करे थे प्राइस लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें पास करा दी हैं, दो एंट्री पास करा दी हैं, 30 पीस के अलग और 5 पीस के अलग। इसका मतलब हमारा 35 पीसेस का स्टॉक कम हो चुका है। स्टॉक समरी में हम देखेंगे यहाँ पर हमारे 65 पीसेस अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो बिल्कुल यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा क्योंकि हमने रेट भी एक्स्ट्रा लगाया था। तो इस तरीके से इस चैप्टर से हमने सीखा कि किस तरीके से हम ऑटोमेटिकली रेट को सेट कर सकते हैं टैली के अंदर। बाकी के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए।